हे गाइस, गुड आफ्टरनून। तो आज के इस नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। गुड आफ्टरनून मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2:20 हो चुके हैं दोपहर के। तो आज का दिन शुरू करते हैं, देखते हैं आज के व्लॉग में क्या नया रहने वाला है। पिछला व्लॉग तो आपने देख ही लिया होगा, क्रूज गाड़ी के ऊपर था, तो आज का व्लॉग भी क्रूज गाड़ी के ऊपर ही है। आप देखते हैं क्या नया होने वाला है आज के व्लॉग में, तो एंड तक बने रहिएगा हमारे साथ। आपको क्या अच्छा लगता है वीडियो में, क्या बुरा लगता है, तो यार कमेंट में बताया करो, कमेंट आपका ही है। लाइक किया करो वीडियो को, शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ। बाकी ज़्यादा बोर ना करते हुए आज की दिनचर्या शुरू करते हैं। इस साइड लगी हुई है रिंग लाइट, तो इसको करते हैं ऑफ। हेलो अम्मा जी। हेलो अम्मा जी, यहाँ पे बैग सी रहे हैं, नाना जी पढ़ रहे हैं यहाँ पे न्यूज़पेपर। हेलो नाना जी, तो आए नाना जी, मैं जाके जरा ठीक। बाकी मास्क भी मैंने ले लिया, सूरज भी आज निकला हुआ है, बढ़िया धूप लगी हुई है। गाड़ी में हम आ चुके हैं। हेलो विश्वास भाई। हेलो भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है भाई, आप सुनाओ। बस बढ़िया बढ़िया। तो अभी हम मार्केट में हैं। एक्चुअली मैं आपको बताना नहीं चाहता था पहले, तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो गाड़ी है ये जा रही है शादी में, बुक हो रही है अभी, तो इसकी डेकोरेशन होगी, सारी गाड़ी तैयार हो गई अभी। बाकी भाई वॉश करवा ली है ना? हाँ जी भाई, अंदर बाहर से बनी। हाँ, तो भाई ने पहले वॉश करवा के रख ली थी, बाकी अंदर से वैक्यूम भी मरवा दिया है गाड़ी में। तो आज का कंटेंट अपना यही रहेगा, गाड़ी कैसे तैयार होती है शादी के लिए। जब दूल्हा गाड़ी लेके जाता है दुल्हन को लाने के लिए, तो जैसे डेकोरेट होती हैं गाड़ियाँ, तो वही चीज़ रहेगी। तो पहली बार आ रहा है अपने चैनल पे ये। बाकी मार्केट में आज बहुत ही रश है गाड़ियों का। मेरे को भी पता नहीं है किस हिसाब से डेकोरेट होती है गाड़ी, तो आज देखेंगे सारा प्रोसेस। बाकी भाई को भी पता नहीं है, तो फर्स्ट टाइम ही करवा रहे हैं भाई, है ना? तो फर्स्ट टाइम ये हमारा एक्सपीरियंस रहेगा नया, क्या क्या चीजें सजावट में लगती है गाड़ी की अंदर बाहर से। मेन मार्केट में सबसे ज्यादा पंगा यही रहता है लंबी गाड़ी घुसाने का, जगह नहीं मिलती और गाड़ियों को पास देने के लिए, तो ये सबसे तंग है यहाँ की मार्केट। और देखो दो गाड़ियां यहाँ पे लग चुकी हैं, और ये वाली गाड़ी तो बहुत लंबी है। तंग मार्केट में गाड़ी को पास देने में तो बड़ी दिक्कत आ जाती है, बड़ी दिक्कत आती है भाई। इस गाड़ी के साथ ज्यादा पीछे का डर रहता है। हाँ, तो बहुत ही ध्यान से निकालनी पड़ती है गाड़ी। ठीक है, प्लेन के लिए तो गाड़ी बेस्ट है, उसके लिए तो ओके है। बाकी यहाँ तंग गलियों में यहाँ पे दिक्कत है, बाकी तो ठीक है। तो बच्चों को स्कूल की छुट्टी भी हो चुकी है, अब तो और ज्यादा रश हो जाएगा यहाँ पे, है ना? पाँच मिनट में तभी तो हम टाइमली निकल जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ पे देख लो आप, बड़ी गाड़ी को पास देने में कितनी दिक्कत आ रही है। निकल गई भाई, निकालो अब। गाड़ी बस रुकी नहीं और ट्रैफिक ही ट्रैफिक शुरू हो जाता है, एकदम से गाड़ियाँ जाती हैं, आगे पीछे लग जाएंगी एकदम से ही। अपने विश्वास भाई चले गए और उनके छोटे भाई आ गए यहाँ पे। क्या नाम है भाई? विकास। विकास भाई क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। और यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ से देखो गाड़ी कितनी डाउन है, पर ये सेफ्टी के लिए लगा है भाई, क्या बोलते हैं इसको, पता नहीं कुछ है, पर सेफ्टी ये सेफ्टी के लिए इतनी, ये पट्टी जो है ये प्लास्टिक की है तो सेफ्टी के लिए है। बाकी यहाँ से बम्पर स्टार्ट होता है, तो इतनी डाउन है गाड़ी है। अभी यहाँ पे खड़ी की है तो देख लो, नॉर्मल सी खड़ी की है, यहाँ पे थोड़ी हाइट है बस, बाकी इस साइड को थोड़ी सी डाउन हो चुका है बम्पर गाड़ी का। इसी के पीछे तो दुनिया पागल है ना, इसी गाड़ी की लुक के पीछे दुनिया पागल है। मतलब सीन ऐसा है कि जब गाड़ी रोड पे चलती है ना, तो भाई लोग देखते रह जाते हैं ना, पीछे मुड़ मुड़ के, एक बार मुड़ के बंदा देखता ही है, क्यों भाई? और लड़कियाँ लड़कियाँ तो दीवानी है इस गाड़ी की, है ना भाई? अभी हमने गाड़ी के साथ फोटोशूट भी किया, रील्स भी बनाई, तो इंस्टाग्राम पे चेकआउट जरूर करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और फॉलो जरूर कर लेना इंस्टाग्राम पे। पे खड़ा था तो ये पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं, तो ये बॉयज स्कूल की बिल्डिंग है, जैसे कि आपको पता ही है मैंने यहाँ से स्टडी की है। तो अभी मेरे को अपने बचपन के दिन याद आ गए, जब मैं पढ़ता था यहाँ पे, तो सेवन्थ क्लास में हमारा ये वाला रूम होता था, तो इस खिड़की से मैं देखता रहता था कि कब छुट्टी होगी, कब घर जाऊँगा, क्योंकि इस वाली साइड से शॉर्टकट रहता था हमें घर जाने के लिए, तो सोचता रहता था। तो अभी मैं देख रहा था कि कभी मैं स्कूल में पढ़ता था, बचपन के दिन याद आ रहे थे अभी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के साथ शेयर किया जाए।
इस वाली खिड़की से मैं देखता रहता था छुट्टी कब होगी, और यहाँ पे भी खड़े रहते थे हम। अगर बचपन के फ्रेंड जो साथ पढ़े हैं वो देख रहे होंगे तो याद कर रहे होंगे वो बचपन वाले दिन। बचपन के दिन याद आ गए यार, सच में। आपको गाड़ी के शॉर्ट्स दिखाता हूँ, रेडी हो चुकी है। गाड़ी कैसी रेडी हुई कमेंट करके जरूर बताना। और यहाँ पे अभी गाड़ी बैक हो रही है। सबसे बड़ी दिक्कत यही रहती है लंबी गाड़ी की, सीधी रख लो, सीधी जान दो, जान दो, जान दो, सीधी सीधी। टूटा हुआ था रास्ता तो ये सीमेंट वगैरह डाला हुआ यहाँ पे रिपेयर की इसकी, जान दो, जान दो, आन दो, आन दो। परली साइड देख, तू मोड़ दे और सारी मोड़ दे, हर कट दे, जान दे, जान दे, बस चलिए। चलो गाड़ी बिल्कुल रेडी हो गई लाड़े की, तो ये सुबह जाएगी शादी में। बाकी लग कैसी रही है तो कमेंट में जरूर बताना। एक घंटा लग गया ना भाई, कम से कम है ना एक घंटा लग गया गाड़ी को तैयार करने में। सजावट कैसी रही गाड़ी की तो बंदे ने अच्छी की, वैसे हमें तो अच्छी लगी। बाकी आप भी अपना सुजेशन देना, आपको कैसी लग रही है सजावट गाड़ी की कमेंट में बताना। तो अभी हम बीच मार्केट में हैं, तो लोगों का रिएक्शन देखते हैं। गाड़ी बिल्कुल रेडी है हमारी, तो ये देखो बंदा देख रहा है गाड़ी को। कोई भी बंदा है बस गाड़ी को देख के जा ही रहा है, क्यों भाई? आंटी टेटी ने जैसे देख निकलेगी। ट्रैफिक देखो गाइस कितना है, और लोगों की नजरें सिर्फ गाड़ी पे ही हैं। जैसे गाड़ी बंदों के पास से क्रॉस होके जा रही है किसी भी बंदे के पास से, तो बंदा एक बार मुड़ के देख ही रहा है। गाड़ी के साथ थंबनेल के लिए एक फोटो ले लेते हैं बढ़िया सी। थंबनेल के लिए भी फोटो मिल गई बढ़िया अच्छी सी, क्यों भाई? तो थंबनेल भी लगा देंगे बढ़िया वाला। बाकी चलते हैं अब घर की तरफ ही। फाइनली गाइस मैं घर पहुंच गया और अंधेरा भी हो चुका है। अभी गाड़ी की सजावट में एक घंटा लग गया, तो थक गए खड़े खड़े यार। तो अभी करते हैं थोड़ी देर रेस्ट। तो डिनर में है धुली दाल और यहाँ पे है मक्की की रोटी। तो हम सभी डिनर कर रहे हैं, टाइम देखो 8:30 होने वाले हैं, और खीर भी बनी है यहाँ पे, खीर है। अम्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे, बोलो अम्मा जी। मक्के की रोटी खीर के साथ बड़ी स्वाद लगती है। अच्छी लगती है, अच्छी लगती। तो मैंने कभी खाई नहीं, खा के देख मजा आ जाएगा। तो करूंगा आज मैं ट्राई, फिर देखते हैं कैसा टेस्ट रहता है। पहले ये तो फिनिश कर लें। यहाँ पे कढ़ी है और धुली दाल है, और यहाँ पे खीर है। तीन तीन डिशें बनी हुई हैं आज, और यहाँ पे चावल भी हैं। लो अम्मा जी, तो डालो फिर खीर। आज देखते हैं मक्की की रोटी खा के खीर के साथ। थोड़ी सी डाल, थोड़ी और डाल दो बस, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे शक्कर डाल दी नानी जी ने। मैं बिल्कुल चूर के खा रहा हूँ, है तो टेस्टी, मज़ा आ रहा है खाने में। आप भी ट्राई करना जरूर एक बार, मजा आ गया। अम्मा मजा आता, सही बोला आपने, बट खा मैं फर्स्ट टाइम ही रहा हूँ। अगर आप ऐसा सोचो कि मैंने पहले भी खाया कभी, तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। टेस्टी है,
डिनर भी अपना हो गया, बाकी अभी बनाऊंगा मैं रील्स। तो यहाँ पर रिंग लाइट ऑन हुई हुई है, बाकी टाइम देखो अभी 9:04 हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की इस वीडियो में मजा आया हो, बाकी रील्स चेकआउट जरूर करना आप इंस्टाग्राम पे। तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और इस ब्लॉग को मैं यही एंड कर रहा हूँ। तो मिलते हैं आपके साथ जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।